हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम मेकअप कैसे हल्के प्रोडक्ट से मेकअप कैसे कर सकते हैं। तो जैसे आप फेस्टिवल आ रहा है, करवा चौथ वगैरह आ रहे हैं, तो ऐसा होता है कि नहीं लिए जाते किसी किसी पे महंगे प्रोडक्ट, हमारे पास ही होते हैं जो हम डेली वेज में यूज करते हैं, उससे हम अपना मेकअप कैसे करें, कितना अच्छा ग्लो हमारे चेहरे पर आएगा। तो आज मैं आपको मेकअप करके दिखाने वाली हूँ वाइट टोन क्रीम से और वाइट टोन पाउडर से। इन दो चीज़ से ही हमें अपने चेहरे पर कितना अच्छा मेकअप करके दिखाऊंगी, आप बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला स्टेप आता है हमारा प्राइमर का। अब प्राइमर हमारे पास नहीं है तो हम एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। और एलोवेरा जेल आपके पास ये नहीं है तो घर पे जो पौधा होता है उसको आप थोड़ा सा लगा लीजिएगा, कट करके फीस करके उसके, और उसमें से एलोवेरा जेल निकाल के लगा लीजिएगा। ये मैंने एलोवेरा जेल ले लिया है, ये जो हमारे स्किन पे बहुत अच्छे से मेकअप सेट होता है। प्राइमर का काम होता है मेकअप सेट करना, मेकअप बहुत अच्छे सेट हो जाता है, कोई इससे काला मेकअप भी नहीं पड़ेगा। जैसे मेकअप करने के बाद स्किन काली पड़ जाती है, पसीना आ जाता है, तो इससे कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा है हमारी स्किन के लिए और बहुत ही अच्छे से काम करता है हमारी स्किन पर। ठीक है, ये हमारा प्राइमर लग चुका है, अब हम लगाएंगे वाइट टोन क्रीम, देखिएगा। ठीक है, अब मैं इसको लगाऊंगी अपने फेस पे, आप देखिएगा। कोई ब्लेंडर वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने हैंड से भी मेकअप कर सकते हैं। मैं आपको आपके सामने मेकअप करके दिखा रही हूँ, आप इस करवा चौथ पे ऐसे मेकअप करोगे तो आपका चेहरा बहुत ही प्यारा लगेगा, आप बहुत ही प्रीटी लगोगे। ये देखिएगा, आप ये नहीं कि आप वाइट टोन क्रीम से, वाइट टोन पाउडर से ही, जो आपके पास डेली वेज की क्रीम हो आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे फेयर लवली वगैरह, पॉन्ड्स, गार्नियर वगैरह आप क्रीम यूज करते हो तो आप बस वाइट टोन क्रीम की जगह ये क्रीम लगा लीजिएगा अपनी जो आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, और ये मेरी वाइट टोन क्रीम लग चुकी है, अब वाइट टोन पाउडर लगाते हैं। अब वाइट टोन पाउडर ये हमें लेना है, ये मैंने ले लिया है, देखिएगा, और अच्छे से हमको ये लगाना है। अगर आपके पास वाइट टोन पाउडर नहीं है, कोई लूज पाउडर, फेस पाउडर है तो आप उसको लगा लीजिएगा, उससे भी आपका चेहरा बहुत प्यारा हो जाएगा। ये देखिएगा, ठीक है, और अब हमें अपने आईब्रो सेट करनी है। मैंने ये पेंसिल, आईब्रो पेंसिल ले ली है, अच्छे से सेट कर लेंगे। ठीक है, अपनी आईब्रो पेंसिल से हमने आईब्रो सेट कर लिए है, आप देख सकते हैं। और अब हमें लिपस्टिक लगानी है, मैंने ये ब्रश वाली लिपस्टिक ली है, आपके पास जो लिपस्टिक हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए, मैंने लिपस्टिक हूँ, अब मैं मेकअप आपको कैसा करके दिखा रही हूँ, आप समझ रहे होंगे कि अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है महंगा, हम नहीं ला पा रहे हैं, तो हम घर पे अपने ही जो रोज़ की इस्तेमाल करने वाली चीज़ है उनसे इतना बेस्ट मेकअप कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और ये आई शेड लगा लिया है मैंने, ठीक है, ये हमें लगाना है हल्का सा
ठीक है। इससे ये होगा हमारी आँखें थोड़ी बड़ी दिखने लगती हैं और थोड़ा हम थोड़ा थोड़ा नीचे भी लगा लेते हैं। अगर आपके पास काजल हो, आप काजल पसंद करते हो तो आप काजल लगा लीजिएगा। ठीक है, और छोटी सी हम बिंदिया लगाएंगे। ओके, और अब अपना हम हेयर स्टाइल कर लेंगे। जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हो। हम पफ बनाना भी मैं आपको इसमें सिखा रही हूँ। थोड़े से यहाँ से बाल उठाने हैं आईब्रो साइड से, अच्छे से ऐसे करके, और ऐसे हम कंघा ऊपर से नीचे की तरफ करना है। इससे हमारा पफ बिगड़ेगा नहीं, फटेगा नहीं, ऐसे ही बना रहेगा। आप देखते रहिएगा, मैंने ऐसे कर लिया है, आपको दिखाया है, और आपको ये देखिए कितना प्यारा पफ बना है। ठीक है, देखिएगा, और थोड़ा सा हम सिंदूर लगाएंगे। बी शेप का हमें सिंदूर भरना है, ठीक है। बी शेप का थोड़ा बड़ा, जो डेली वेज से अलग ही आपको करना है थोड़ा। अगर आप डेली वेज में बिंदिया हल्की छोटी लगाते हो तो आप करवा चौथ पे अपना जैसे तैयार होगे ना, थोड़ा साइज बड़ा कर लेना बिंदिया का, तो उससे आपके चेहरे पे बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और आप डेली वेज में लिपस्टिक थोड़ी हल्का कलर लगाते हो, थोड़ा डार्क कलर आप लगा लेना, तो आपका फेस बिल्कुल अच्छा लुक देगा। रोज़ से बहुत अधिक अलग आपका फेस अच्छा लगेगा। आप पफ, जो पफ डेली वेज में बनाते हो तो आपको आढ़ा पफ नहीं, आढ़ा पफ बना लेना है। जो आप ऐसा पफ बनाते हो तो आपको करवा चौथ वाले दिन जब आप तैयार हो गए तो आपको थोड़ा आढ़ा पफ बना लेना, तो आपका फेस बिल्कुल अलग लुक देगा। आपको वैसे तैयार कर होना है, जो आप डेली वेज तैयार होते हो वैसे नहीं होना, बस सिर्फ आपका मेकअप वो होगा जो आप डेली वेज यूज करते हो। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा मेकअप, मैंने दो चीज़ से ही करके दिखाया है। आपके पास जो भी क्रीम हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप वो ही यूज कीजिएगा। आप उससे बस ऐसे ही आप अपना मेकअप कीजिएगा जिस मैंने किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी अच्छी लगी, तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, और मेरी वीडियो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।